पहले मैंने जब निशात मजुमदार और वास्फिया, भूल तो नहीं गए ना आप लोग, गरीब परिवार की दो बेटियां गरीब परिवार से आई और एवरेस्ट जाकर के आ गई। ये बांग्लादेश की ताकत है और मुझे गर्व है कि मैं उस बांग्लादेश के साथ साथ चलने के लिए आया हूं। यह एक सामर्थ्य होता है जो हमें नई शक्ति देता है। कुछ बातें हैं जो अभी भी करनी है, ऐसा नहीं कि भाई मैं यहां 40 घंटे में सब कुछ करके निकल जा रहा हूं, ना कुछ करना बाकी है, क्योंकि मुझे 125 करोड़ का देश है, अनेक राज्य हैं, सबको साथ लेकर के चलना होता है और बांग्लादेश को साथ साथ चलता हूं तो मेरे राज्यों के भी तो साथ साथ चलना होता है। और जब भी बांग्लादेश आया तो स्वाभाविक है तीस्ता के पानी की चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी के संबंध में हम साथ चले हैं और मुझे भरोसा है और मेरा तो मत है, पंछी, पवन और पानी, तीन को बीजा नहीं लगता है। और इसलिए पानी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, पानी ये मानवता के आधार पर होता है, मानवीय मूल्यों के आधार पर होता है और उसको मानवीय मूल्यों के आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयास हम मिलकर के करेंगे, मुझे विश्वास है और रास्ते निकलेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। कोशिश जारी रहनी चाहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए, विश्वास डिगना नहीं चाहिए, परिणाम मिलकर के रहता है। कभी कभार सीमा पर कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि दोनों तरफ तनाव हो जाता है, किसी भी निर्दोष की मौत हर किसी के लिए पीड़ादायक, गोली यहां से चली या वहां से चली उसका महत्व नहीं है, मरने वाला गरीब होता है, इंसान होता है। और इसलिए हमारी सीमा पर ऐसी वारदात न हो और उसके कारण हमारे बीच तनाव पैदा करना चाहने वाले तत्वों को ताकत न मिले, ये हम दोनों देशों की जिम्मेवारी और हम निभाएंगे, निभाते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में कठोरता से काम लेने के लिए दोनों देशों ने निर्णय किया है, इलीगल मूवमेंट जो होता है उसके कारण भारत में भी कई राज्यों में उसके कारण तनाव पैदा होता है, हमने दोनों ने मिलकर के इसकी चिंता व्यक्त की है। फेक करेंसी, करे कोई खाए कोई और बदनामी बांग्लादेश को मिले, अब बांग्लादेश सरकार इस प्रकार की चीजों को चलने देना नहीं चाहती है। मैं बांग्लादेश सरकार की तारीफ करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यही तो चीजें हैं जो हमें साथ साथ चलने के लिए हमारा हौसला बुलंद करते हैं और आज साथ साथ चलते हैं कल साथ साथ दौड़ना भी शुरू कर देंगे, इसी से तो ताकत आती है और उसी ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, विकास की जब नई ऊंचाइयों को हमें पार करना है, डिफेंस के क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग बढ़ाना चाहते हैं,
इस बार हमने लाइन ऑफ क्रेडिट $2 बिलियन किया है और ये करने का हमारा हौसला इसलिए बुलंद हुआ है कि पहले जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी अगर बहुत बढ़िया ढंग से किसी ने उसको उपयोग किया तो बांग्लादेश ने किया है और इसलिए ये नया जो लाइन ऑफ क्रेडिट का हमारा निर्णय है मुझे पूरा भरोसा है बांग्लादेश उसका सही सही उपयोग करेगा। हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है इंडिया एसईजेड बनाने का, भारत के लोग यहां आए पूंजी निवेश करें, यहां के नौजवानों को रोजगार दें, यहां की जो कच्चा माल है उसको मूल्य वृद्धि करें, यहां की इकोनॉमी को लाभ हो और भारत और बांग्लादेश में ट्रेड डेफिसिट का जो फासला है उसको कम करने में बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से तो माल लेता रहे और बांग्लादेश से कम सामान हिंदुस्तान आए, नहीं, हम बराबर ही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं बांग्लादेश का माल हिंदुस्तान में बिकना चाहिए, हम बराबरी से आपके एक मित्र राष्ट्र के रूप में हम खड़े हैं आपके साथ और इसलिए हमारी भूमिका यही है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम साथ चले, उसी को लेकर के हम चलना चाहते हैं। आज दुनिया में कुछ संकटों का सामना भी हमें करना है। आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन अपनी 70वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। 70 साल की यात्रा कम नहीं होती है। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की छाया में यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ, तब दुनिया की स्थिति अलग थी। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, आज इंटरनेट रिवॉल्यूशन का कालखंड है, वक्त बदल चुका है, लेकिन यूएन वहीं का वहीं है। आज भी यूएन पिछली शताब्दी के कानून से चलता है, शताब्दी बदल चुकी, यूएन नहीं बदला है। हम जो गरीब देश हैं उन्होंने मिल बैठ करके यूनाइटेड नेशन भी अपनी 70वीं सालगिरह मनाते समय विश्व को नए नजरिए से देखें। बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश, भारत बांग्लादेश जैसे गरीबी से लड़ रहे देश, सार्क के देश जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं की ओर विश्व ध्यान दे और इसलिए ऐसे सभी देशों ने मिलकर के हमारे दुनिया को, युद्ध होता है तो कैसे काम करना ये तो आता है, सीमा पर लड़ाई कैसे होगी, सेना क्या करेगी, वायुसेना क्या करेगी, सब आता है, लेकिन टेररिज्म से कैसे निपटना अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि रास्ते क्या हो और यूएन भी गाइड नहीं कर पा रहा है। मुझे खुशी की बात है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी डंके की चोट पर कह रही है कि टेररिज्म के संबंध में मेरा जीरो टॉलरेंस है। मैं शेख हसीना जी को अभिनंदन करता हूं जो हिम्मत के साथ ये कहें कि टेररिज्म के साथ मेरा जीरो टॉलरेंस है। टेररिज्म, इसको कोई सीमा नहीं है, कोई भूभाग नहीं है। भारत तो पिछले 40 साल से उसके कारण परेशान है, कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, कितना रक्त बह रहा है और टेररिज्म के जुड़े हुए लोग क्या पाया उन्होंने, क्या दिया दुनिया को उन्होंने। और इसलिए टेररिज्म का रूप ऐसा है जिसे कोई सीमाएं नहीं है, कोई भूभाग नहीं है, न उसके कोई आदर्श है, न कोई मूल्य है, न कोई संस्कृति है, न कोई परंपरा है। अगर है तो उनका एक ही इरादा है और वो है मानवता की दुश्मनी।
टेररिज्म वो मानवता का दुश्मन है और इसलिए हम किसी भी पंथ संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी पूजा पद्धति में क्यों न मानते हो, हम पूजा पद्धति में विश्वास करते हो या न करते हो, हम ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करते हो या न करते हो, लेकिन मानवता के खिलाफ ये जो लड़ाई चली है, मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। जो भी मानवता में विश्वास करते हैं, उन सभी देशों को एक होना बहुत अनिवार्य हुआ है। और हम इस आतंकवाद, आतंकवादी मानसिकता, इसको आइसोलेट करें, उसको निहत्थे करें और मानवता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ें। और इस काम में बांग्लादेश की सरकार ने जीरो टॉलरेंस ये जो संकल्प किया है, मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं साफ मानता हूं, बांग्लादेश और भारत के बीच, न सिर्फ बांग्लादेश और भारत के बीच, सार्क देशों में भी हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। टूरिज्म को हमने बढ़ावा देना चाहिए और टूरिज्म है, टूरिज्म यूनाइट्स द वर्ल्ड, टेररिज्म डिवाइड्स द वर्ल्ड। हम एक दूसरे को जाने पहचाने, नई पीढ़ी मिले जुले, बात करें, गर्व करें। और इसलिए टेररिज्म के सामने लड़ने के लिए हमारा मेलजोल जितना बढ़ेगा, एक दूसरे को पहचानने का अवसर जितना मिलेगा, एक नई शक्ति उसमें से उभर करके आती है। उस नई शक्ति को हमने आगे बढ़ाना है और देश में दिशा में हमने प्रयास करना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी हिंदुस्तान को जगह नहीं मिल रही है, परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन, हर छठा व्यक्ति हिंदुस्तानी है, लेकिन उसको दुनिया की शांति के संबंध में चर्चा करने के लिए हक नहीं है। कैसी सोच है? और वो देश, और मैं डंके की चोट पर दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके कह रहा हूं, वक्त बदल चुका है, समय से पहले चेत जान जाइए। हिंदुस्तान वो देश है जो कभी जमीन के लिए किसी पर हमला नहीं किया है, न कभी लड़ाई लड़ी। हम प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख हिंदुस्तान की सेना के जवान प्रथम विश्व युद्ध में जुड़े अपने लिए नहीं, भारत की सत्ता बचाने के लिए नहीं, भारत का भूभाग बढ़ाने के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़े, किसी और के लिए मरे। और करीब करीब 75,000 लोग शहीद हुए, 75,000 लोग प्रथम विश्व युद्ध। उसके बावजूद भी दुनिया हमें पूछ रही है शांति के लिए, हम विश्व की शांति के लिए उपयोगी है कि नहीं, उसके लिए हमें सबूत देने पड़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 15 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तान की फौज किसी के लिए लड़ी, किसी के लिए मरी, किसी दुनिया के देश में जाकर के मरी। और उस समय हम सब एक थे, बांग्लादेश के भी बच्चे थे उसमें जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बलिदान दिए थे। तब विभाजन नहीं हुआ, हम सब एक थे। करीब 90,000 हमारे नौजवान उस युद्ध में शहीद हुए थे। आज भी यूनाइटेड नेशन बड़े गर्व से कहता है कि पीस कीपिंग फोर्स, उसमें अगर सबसे उत्तम काम है तो भारत की सेना का होता है, उनकी डिसिप्लिन का होता है,
उसके बावजूद भी सिक्योरिटी परमानेंट सीट के लिए भारत को तरसना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मैं दुनिया में क्या कभी कोई घटना मिल सकती है कि बांग्लादेश में जब मुक्ति जोधा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त जोधा लगा रहे थे, पता नहीं था कि कभी बांग्लादेश बनेगा, कभी सत्ता के सिंहासन पर जाने का अवसर मिलेगा। एक अमर सोनार बांग्ला का प्रेरणा थी, बंगबंधु का नेतृत्व था और हर बंगाली मरने के लिए तैयार हुआ था। उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे, एक एक मुक्ति जोधा, आज यहां मुक्ति जोधा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था, और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति जोधा का है, कि रक्त भारत की सेना के जवान का है, कोई फर्क महसूस नहीं होता था, वो भावना का प्रबल उमंग। और इतिहास देखिए, 90,000 जिन लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया था, ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। आप कल्पना कर सकते हैं, जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है, 90,000 सैन्य उसके कब्जे में था। अगर विकृत मानसिकता होती तो पता नहीं निर्णय क्या करता। आज एक हवाई जहाज को कोई हाईजेक कर जाए ना, तो 25-50-100 पैसेंजर के बदले में दुनिया भर की मांगे मनवा ले सकता। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन यह हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हिंदुस्तान के सेना का चरित्र देखिए, हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन 90,000 का ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं किया। क्यों? हम चाहते थे कि बांग्लादेश बंगबंधु के नेतृत्व में आगे बढ़े, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, यह हमारा सपना था। और इसलिए हमने हमारे सपनों को चूर कर दिया, हमारी मुसीबतों को हमने दफना दिया और हमने 90,000 सैनिक वापस दे दिए। 90,000 सैनिक वापस देने की एकमात्र घटना की ताकत इतनी है कि पूरे विश्व ने भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है, विश्व शांति के लिए प्रतिबद्धता कितनी है, इसको नापने के लिए ये एक घटना काफी है। और भारत को परमानेंट मेंबरशिप के लिए रास्ते खुल जाने चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है, गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को, हम जैसे इस इलाके में दूर सुदूर पड़े हुए लोगों को मिल बैठ करके लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। विश्व के रंगमंच पर हम सबको एक ताकत बनकर के उभरना पड़ेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अपने आप कंधे से कंधा मिला करके चल करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी की मदद से अगर 2 साल में हो सकता है, तो किसी की मदद के बिना 5 साल में भी तो होके रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं। विकास के रास्ते पर हमें चलना है, साथ मिलकर के चलना है। और मेरी तो पहले दिन, हमारे यहां एक कहावत है हिंदुस्तान में, पुत्र के लक्षण पालने में
यानी कि जनतई झूले में जो बच्चा होता है उसी से पता चलता है आगे चल करके कैसा होगा। ऐसी कहावत है, शायद बंगला में भी होगी कहावत। मेरी सरकार का जन्म नहीं हुआ था, अभी तो जन्म होना बाकी था, लेकिन हमने सार्क देशों के नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया, सभी सार्क देशों को निमंत्रित किया, सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया और शपथ उनकी साक्षी में लिया। पहले ही दिन हमने संदेश दे दिया था कि हम सार्क देशों के साथ मित्रता के साथ 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 चलने के लिए निर्णायक हैं और हम चलना चाहते हैं, ये भूमिका लेकर के हम चलते हैं। पहले ही दिन हमने परिचय करवा दिया है। ये एक ऐसा भूभाग है जिसके पास दुनिया को बहुत कुछ देने की ताकत है और उसी ताकत के भरोसे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे बीच कितने एकता से हमने हमें जोड़ने वाली ताकतें कितनी तेज है, कला संस्कृति खान पान सब चीज। कोई के सोच सकता है कि एक ही कवि दो देश के राष्ट्रगीत का रचयिता हो? है, ये यही तो है हमारी एकत्व को जोड़ता है। हम हमें जोड़ने वाली चीजों को उजागर करें, हमें जोड़ने वाली चीजों को लेकर के चले और हम एक शक्ति बनकर के उभरे और विकास के मार्ग पर चले, और खुशी की बात है आपके प्रधानमंत्री जी और मेरी सोच परफेक्टली मैच होती है। हमारे दिमाग में एक ही विषय है, विकास विकास विकास। उनके दिमाग में भी एक ही है, विकास विकास विकास। उन्होंने कहा हम 2021 जब बांग्लादेश अपनी गोल्डन जुबली मनाएगी तब हम हमारी आर्थिक स्थिति को यहां पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए लगे हुए हैं। आपकी इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आपकी इमारत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आपके दीवार से सटे हुए पड़ोसी की इमारत अगर कच्ची हो जाए तो आपकी कितनी ही पक्की इमारत टिक सकती है क्या? कभी नहीं टिक सकती। और इसलिए भारत की इमारत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन बांग्लादेश की ताकत भारत की ताकत समान होनी चाहिए, समान शक्ति से दोनों आगे बढ़ने चाहिए ताकि कभी कोई संकट ना आए। मेरा ये जो प्रवास रहा, समय तो जरा कम पड़ गया लेकिन मेरे लिए ये यात्रा यादगार रही है और उस यादगार यात्रा के साथ मैं आज जब भारत लौट रहा हूँ तो मन में जरूर रहेगा। मैं जब आज आया तो मुझे कई लोग कह रहे थे मोदी जी जरा ज़्यादा दिन आ जाते अच्छा होता, कुछ हमारे ग्रामीण इलाकों में जाते तो अच्छा होता। कई सारे सुझाव मेरे पास आए हैं, मुझे भी लगता है कुछ कम रह गया, कुछ कम पड़ गया, अच्छा होता। और मुझे कल हमारे ममता जी कह रही थी कि मोदी जी बांग्लादेश की मेहमान नवाजी आप कभी भूल नहीं सकते। और मैंने अनुभव किया ऐसी उत्तम मेहमान नवाजी, लेकिन आखिरकार मेरे जिम्मे भी कुछ ड्यूटी है तो मेहमान नवाजी कितने दिन तक मैं भुगत हुआ लेकिन मैं जरूर कभी न कभी चाहूंगा कि मैं फिर से एक बार जब बांग्लादेश आऊं तब आपके आरोंग के बस में, मैंने सुना है हैंडीक्राफ्ट के संबंध में काफी बड़ी नामना है, कभी आरोंग जाने का भी मन कर जाता है।
कभी मन करता है नोआखली चला जाओ, जहां महात्मा गांधी का एक म्यूजियम बना हुआ है, बापू का आश्रम है, कभी नोआखली चला जाऊं। मेरा मन ये भी करता है कि हो सके तो मैं कुठीबाड़ी जा पाऊं और वहां ठाकुरबाड़ी देखूं, फिर पोदा नदी में नाव के ऊपर आप में से कुछ नौजवानों के साथ, विशेषकर युवा मित्रों के साथ उस क्षेत्र को देखूं और वो भी अड्डा करते हुए। बिना अड्डा बांग्लादेश की यात्रा अधूरी रहती है और आज मैं इस मेरी यात्रा के आखिरी कार्यक्रम करके मैं सीधा ही यहां से हवाई अड्डे पर जा रहा हूं, तो मैं यही आपके ही एक कवि के शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आबार आशिबो, आबार आशिबो, फिरे धान सिरी रहती रे, आए बांग्लाए, आबार आशिबो, फिरे धान सिरी रहती रे, आए बांग्लाए। मैं फिर एक बार आपके प्यार के लिए, इन गहरे संबंधों के लिए, भारत और बांग्लादेश के नौजवानों के सपनों के लिए इस यात्रा को एक नई ताकत के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। जो सपने आपने संजोए हैं वही सपने मेरे हैं, मैं जो सपने मेरे देश के लिए देखता हूं वही सपने मैं आपके लिए भी देखता हूं। हम दोनों देश के युवा पीढ़ी की ताकत के भरोसे उन सपनों को संजोते हुए आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ जय बांग्ला, जय हिंद।